कालका जी का एरिया साउथ दिल्ली का भाई, एक बढ़िया जेम खुल गया है। कैसे माइंड में आया आपका? ऐसी काम तो मेरा गाड़ी सेल परचेज का है भाई। देखो हर तरह की रेंज है, हर तरह की चीजें है, वेज नॉन वेज। सबसे अच्छी बात है कि ये कबाब भी फ्रेश है, बढ़िया मटन और चिकन। मैं मटन देखो, गार्निशिंग धनिया वनिया के साथ। अरे तो आपने क्या ऑर्डर किया है ये? मैंने यहाँ का मशरूम टिक्का ऑर्डर किया। ठीक है, एक बार दाल ट्राई करके देखते हैं दाल कैसी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जैसे आप पीछे देख रहे हैं, देसी चस्का कबाब जैन करी। यहाँ का फूड वेज जो नॉन वेज हो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है, बहुत डिलीशियस फूड होने वाला है। बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कालका जी का एरिया साउथ दिल्ली का भाई, एक बढ़िया जेम खुल गया है जहाँ पे लोगों को आओ बड़े तरीके से खाओ ऐश करो। अच्छा, एड्रेस इसका सामने है गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन, वो आप देखिए। और ये है हमारा पिलर नंबर 172 के बिल्कुल ऑपोजिट। ये हमारे रमन भैया, भैया को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ। हाँ देखो, आपको पता चल रहा है जिम साथ में करते हैं। अच्छा ये बताओ, कैसे माइंड में आया आपका? काम तो मेरा गाड़ी सेल परचेज का है। देखो सेल परचेज है, कोई गाड़ी लेनी हो तो आप हरदेव मोटर में जरूर आइए। बाकी ये शौक था खाने पीने का, एक दिन रात को बैठे तो सोचा स्टार्ट करते हैं। अभी 3-4 महीने लगे हुए हैं, रिपीटेड कस्टमर बहुत अच्छे हैं, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, रिव्यू बहुत अच्छा आया हुआ है। बाकी लगे हुए हैं, देखते हैं आप टेस्ट करके बताना कैसा लगता है। अरे टाइमिंग्स क्या है? टाइमिंग है अपना, हम 6 बजे ऑन हो जाते हैं। ठीक है, रात को 12 बजे तक होते हैं। आप आओ, यहाँ पे वेज नॉन वेज सारी चीज़ वैरायटी है। सोया चाप मिल जाएगी, अपना मशरूम टिक्का मिल जाएगा, आपको मलाई टिक्का मिल जाएगा, आपको चिकन टिक्का मिल जाएगा, चिकन मलाई टिक्का मिल जाएगा, ग्रेवी की आइटम मिल जाएगी। ठीक है, ग्रेवी में आपको चिकन करी मिल जाएगी, मटन करी मिल जाएगी, अफगानी चिकन मिल जाएगा और अपना बटर चिकन मिल जाएगा। आप मेन्यू देखो, हर चीज़ मिल जाती है, सारी वैरायटीज़ है, सारी वैरायटीज़ हैं, सारी आपको खाने में भी अच्छी लगेगी। ये नहीं खाली वैरायटीज मेन्यू में रखी, खाने का टेस्ट नहीं है, जब आप खाओगे तो आपको पता भी लगेगा कि मतलब मेन्यू में है, तो खाने के लिए वैसे भी अच्छी है। चलो ट्राई करते हैं, फिर आपको रिव्यू देते हैं। भाई देखो हर तरह की रेंज है, हर तरह की चीज़ें है, वेज नॉन वेज, पनीर टिक्का, मटन चाप। और ये देखो मेन्यू, नॉन वेज स्टार्टर रोल भी है और रीजनेबल है मेन्यू भी, देखो हर तरह का है। और आपको 3 किलोमीटर तक का ऑर्डर भी, डिलीवरी फ्री है, बहुत बढ़िया है। अच्छी बात है कि ये कबाब भी फ्रेश है, ये मार्केट के कबाब नहीं है, तो फ्रेश फ्रेश कबाब बन रहे हैं यहाँ पे। ये चिकन के हैं, ये चिकन के हैं। ये मटन कबाब, वो जो पहले बना के सेक रखे होते हैं वो जूसी होते हैं, हम लोगों के यहाँ सेकने में टाइम भी लगेगा आपको। एक बात बताइए भैया ने मुझे अभी, जैसे यहाँ पे वो बोल रहे हैं भैया जितने भी यहाँ चाप लगाते हैं ना, सब पूरी पूरी चाप लगाएंगे हम लोग, काट के लगाते हैं, उसमें स्वाद अच्छा आता है और प्रॉपर अच्छे से रोस्ट हो जाती है। हाँ ये बात करके बताना भी कैसे करना। बिल्कुल जी बिल्कुल। सबसे अच्छी है ये, तीनों दोस्तों ने खोली है, ये सतपाल जी, रमन जी, ये तीसरे सर। तो अब भाई आपको रिव्यू दे रहे हैं कबाब का, मटन कबाब और चिकन कबाब का। ये बहुत बड़ा मटन लवर है, ये खा के बताया कैसी है, मैं चिकन लवर हूँ। जब से पहले आप ये चीज़ देखो यार, कितना बढ़िया जूसी, कितना बढ़िया मटन और चिकन। मैं गार्निशिंग देखो, गार्निशिंग धनिया वनिया के साथ प्रॉपर दी हुई है और काफी अच्छी मतलब प्रेजेंटेशन के साथ भी हुई। वैसे मैं मटन नहीं खाता, बट आज मैं जरूर ट्राई करूंगा भाई, जिस हिसाब से इतना यमी लग रहा है ना भाई। ट्राई करते ये लिया, प्याज डाला, बहुत ही जूसी है। मटन ट्राई करते हैं, वैसे रेड मीट भी बोलते हैं इसको, ठीक है मटन को, तो इसको ट्राई करते हैं पहले और विदाउट चटनी वटनी, क्योंकि यार मटन ना एकदम रॉ टेस्ट आना चाहिए मटन का, ठीक है।
अगर कबाब की बात करें ना, तो जैसे और कबाब मतलब और जगह खाए हैं कबाब, तो मटन कबाब क्या होते हैं थोड़े से मतलब क्या होता है वो टाइट होते हैं, बट अभी टाइट नहीं है। देखो इसमें अभी भी जूसीनेस दिख रही होगी आपको, जूसीनेस काफ़ी अच्छी है इसकी, मतलब टाइट नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। देखो एकदम कीमा कीमा टाइप का निकल जा रहा है इसमें, तो ये काफ़ी अच्छा है इनका, कि मतलब काफ़ी वो नहीं हार्ड नहीं है, जितना जूसी होता है ना कि जबान पे डालती पिघल जाए, वो कबाब ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मतलब इससे लगता है कि ये फ्रेश है बिल्कुल। हाँ फ्रेश भी है, क्योंकि तो मेकिंग सामने हुई है हमारे, ये भी नहीं कि इन्होंने खरीद के लाया है, इन्होंने खुद मतलब होममेड बनाया हुआ है, इन्होंने कीमा करके उनको प्रॉपर बनाया हुआ है, तो मटन का प्रॉपर टेस्ट आ रहा है एकदम। सो वेज भी ट्राई करेंगे, देखो वेज वालों की बहुत डिमांड रहती है, चाप अचारी चाप ट्राई करेंगे भाई। चॉप सबसे पहले देखो सॉफ्ट कितनी है, और मैरिनेट इतनी बढ़िया करी हुई है भाई, प्याज का खाएंगे हम तो। बहुत ही बढ़िया भाई, मेरे बोल रहा काट के बनाए छोटे छोटे पीस की, अच्छे से मसाला रजे हो रहा है, वो चीज बहुत बढ़िया है। तो आप वेज में ना मशरूम ट्राई करेंगे, मशरूम टिक्का देखो जूसी 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 भाई, ट्राई करेगा था तू भी था नहीं, तू पहले पहले ये बताएगा उसके बाद में। बहुत बढ़िया है, हम ना कस्टमर रिव्यू भी लेंगे, थोड़ा देखते हैं। तो भाई लोग आए हैं, इनसे रिव्यू लेके देखते हैं, क्या खा रहे हो भैया आप? हमने लिया है मसाला चाप। मसाला चाप, वाह देखने में बढ़िया लग रही है यार, कब से आ रहे हैं वैसे आप? मैं यहाँ पे दूसरे टाइम आया हूँ। तो बढ़िया लगा खाना? बहुत बढ़िया टेस्ट था, बहुत बढ़िया। कुछ रेगुलर कस्टमर भी है, इनका रिव्यू लेते हैं। हाँ जी, तो आप कब से आ रहे हो वैसे यहाँ पे? हम तो जी जब से हमने लोकेशन देखी थी, हमें लोकेशन ही भागी, बहुत मजेदार लोकेशन है, डबल हो जाता है टेस्ट, वैसे तो टेस्ट सही बात है जी। अच्छा आप खा रहे हो तंदूरी चिकन? हाँ जी। हेलो, सो वैसे फेवरेट यहाँ पे यही है कि नहीं, बाकी तो वैसे सारी चीजें फेवरेट है, लेकिन तंदूरी चिकन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा, हाँ दिखने में बहुत स्वाद है। हाँ। अभी टेस्ट करेंगे, हमें बताएंगे। भैया जब से बुलाया मैं तो तब से आ रहा हूँ, बढ़िया स्वाद है, मजा आ जाता है। यहाँ का क्या आपको बेस्ट क्या लगता है? बेस्ट लगता है चिकन तंदूरी। चिकन तंदूरी, और वैसे मतलब नंबर कितने दोगे आप चिकन तंदूरी को? 10 में से 10। चलो थैंक यू, एंजॉय करो। तो आपने क्या ऑर्डर किया है ये? मैंने यहाँ का मशरूम टिक्का ऑर्डर करा। तो आप यहाँ आते रहते हो? हाँ, मैं आज ही रहती हूँ यहाँ पर। तो आपका मतलब ये फेवरेट है कि और क्या क्या ऑर्डर करते हो? मेरा सबसे फेवरेट तंदूरी चिकन एंड सोया चाप, सोया मलाई चाप। ठीक है, तो चलो आप इंजॉय करो। ठीक है जी, थैंक यू। तो अब हम आपको बटर चिकन दिखाया, ये दाल देखो। ठीक है, दाल ट्राई करेंगे। ठीक है, एक बार दाल ट्राई करके देखते हैं दाल कैसी है। दाल मखनी बहुत बढ़िया है, दाल भी है। देखो मेन कोर्स में भी आ सकते हो, स्टार्टर के भी आ सकते हो, हर चीज़ में आ सकते हो। और जब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, इंस्टाग्राम आईडी डाल दूंगा, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, नंबर डाल दूंगा, आइए विजिट करिए, बढ़िया जगह है, एक नंबर है, मज़ा आ जाएगा। ओके बाय।